नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। और अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। हज और उमरा के लिए सबसे भरोसेमंद नाम बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स। हमारा पता है रोड नंबर 4, उतेलवा औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर, अमेठी। हमें संपर्क करने के लिए 8787095687 या फिर 9648359898 पर कॉल करें। हमारी खासियत है कि हम एक सफर में 3 उमरा के साथ तायफ की जियारत भी कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए बताए गए नंबर पर रुखसार अहमद से संपर्क करें। सुल्तानपुर के पाचो पीरन रोड पर सवारियों से भरी बस ने स्कूटी को रौंद दिया, जिससे स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई और एक घायल हो गया। सुल्तानपुर में कोतवाली नगर के सिविल लाइन में मौजूद मां सरला फिलिंग स्टेशन पर अधिवक्ता शुभम त्रिवेदी अपने साथी अधिवक्ता अमित मिश्रा के साथ तेल डलवाने पहुंचे, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अधिवक्ता की पिटाई कर दी। सुल्तानपुर के देहात कोतवाली के परऊपुर में ट्रैक्टर लोडर को खनन विभाग ने सीज किया, जिस पर डीएम कृतिका जोशीदा ने 25,000 का जुर्माना लगाया। सुल्तानपुर में कोतवाली देहात पुलिस ने 13 बोरी अवैध पटाखा के साथ नन्हे उर्फ इम्तियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली सब्जी मंडी गली में किराएदारी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चलने के बावजूद भी बिल्डर पुलिस के साथ किराएदार रेनु श्रीवास्तव से मकान खाली कराने पहुंचा। अमेठी में थाना मुसाफिरखाना पुलिस ने रामावतार चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। अमेठी में थाना कमरौली के बनभरिया गांव और थाना जगदीशपुर के हारी मऊ गांव में आबकारी टीम ने दबिश दी। दबिश के दौरान टीम ने 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 200 किलोग्राम लैंड मौके पर नष्ट किया। अमेठी में थाना जगदीशपुर पुलिस ने हिट्टू उर्फ अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद किया है। बहराइच के रिसिया थाना में अवैध तरीके से लकड़ी काट कर ईंट भट्टों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे रिसिया के वन विभाग कर्मचारी मोटी रकम वसूलते हैं। बदायूं के लोढ़ा बहेड़ी गांव में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन भेजने वाले SDM विनीत कुमार और पेशकार बदन सिंह को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के न्यायालय लॉकअप से बंदी दीवार फांद कर फरार हो गया, जिसके बाद थाना खीरी प्रभारी अरविंद पांडे और क्राइम इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर निकलने वाले सभी वाहनों को रोक कर चेकिंग कर रहे हैं। इटावा में थाना इकदिल इलाके के सुनवारा पुल के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।